नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। डोडा से इस समय बड़ी खबर आ रही है जहां पर गंदोह में जो सुबह से एनकाउंटर चल रहा था उसमें अब 3 आतंकी मारे जा चुके हैं और आतंकियों से भारी मात्रा में सामान यानी कि अमुनिशन गोला बारूद बरामद हुआ है। एक बड़ा सफल ऑपरेशन ये कंडक्ट हुआ आज गंदोह भद्रवाह सेक्टर में डिस्ट्रिक्ट डोडा में और सुबह से ही ये एनकाउंटर चल रहा था। शुरुआती मुठभेड़ में एक आतंकी जो था वो मारा गया था और उसके बाद से लगातार जो बाकी के 2 आतंकी थे वो फायर कर रहे थे यानी कि एक्सचेंज ऑफ फायर लगातार जारी था। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी जो कॉर्डन वहां पर लगाया था वो काफी मजबूत था। हालांकि आतंकी वहां से भागने की फिराक में थे लेकिन जो एक्सचेंज ऑफ फायर था और जो कॉर्डन वहां पर लगाया गया था आतंकी उसे ब्रेक नहीं कर पाए और फाइनली 3 आतंकी जो हैं वो मारे गए हैं। और जो इस समय की अपुष्ट खबर, इससे पहले डोडा में 2 आतंकी हमले हुए थे और उस समय पुलिस की तरफ से बकायदा ये ऑफिशियली कहा गया था कि डोडा में 2 आतंकियों के ग्रुप एक्टिव हैं और करीब 5 से 6 आतंकी जो है वो उन 2 ग्रुप्स में हो सकते हैं जो कि मुख्यतः पाकिस्तानी हैं। और उसके बाद से ये लगातार सर्चिस वहां पर चल रही थी और फाइनली आज सर्चिस के दौरान कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ आतंकियों के साथ, एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ और इस एक्सचेंज ऑफ फायर में सबसे पहले 1 आतंकी मारा गया और उसके बाद दोबारा जब एनकाउंटर आगे बढ़ा तो 2 और आतंकी जो हैं वो न्यूट्रलाइज हो चुके हैं और जब यहां पर सर्चिस की गई तो आर्म्स एंड एमिनेशन जो है वो भी रिकवर हुआ है। तो ये समय की बड़ी खबर है कि अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले आतंक का सफाया जो है वो जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है, बेशक वो कश्मीर घाटी हो या फिर जम्मू सूबा हो। और विशेष करके क्योंकि 9 से 12 जून के बीच 4 हमले हुए थे बैक टू बैक, जिसमें कि डोडा में ही 2 हमले हुए थे और हीरानगर में भी एक अटैक हुआ था और उसके बाद रियासी के पोनी में एक टूरिस्ट माफ करिएगा जो श्रद्धालुओं की बस थी शिवखोड़ी की, उस पर हमला हुआ था। तो कहीं ना कहीं बहुत जरूरी था कि इस प्रकार से आतंक पर एक्शन लिया जाए और फाइनली एक बड़ा असॉल्ट जो है वो इन एक्टिव टेररिस्ट पर देखने को आज मिला और विशेषकर डोडा में मिला जहां पर कि 3 आतंकी जो कि एरिया में काफी देर से एक्टिव थे और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे वो मार गिराए गए हैं। और ये 3 आतंकी जो थे इनके बारे में पहले ही पुलिस ने ये बताया था कि 2 आतंकी ग्रुप एक्टिव हैं और मुख्यतः ये पाकिस्तानी हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि इन्हीं में से वो आतंकी भी हो जो कि रियासी टेरर अटैक में शामिल हो। हालांकि अभी इस बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि ये आतंकी जो है क्या ये वही आतंकी है या फिर कोई दूसरा इन्फिल्ट्रेटेड ग्रुप है। लेकिन जिस प्रकार से 2 हमले हुए थे डोडा में ही और उसके बाद से ही कहीं ना कहीं जो सर्चिस चल रही थी और बहुत जरूरी भी था कि ये आतंकी न्यूट्रलाइज किए जाए, तो फाइनली सिक्योरिटी फोर्सेस को, जम्मू कश्मीर पुलिस को, सेना को बड़ी कामयाबी आज डोडा में मिली है गंदोह में, जहां पर कि 3 आतंकी फाइनली मारे गए हैं, 3 न्यूट्रलाइज किए गए हैं। इनके पास से हथियार गोला बारूद जो है वो बरामद हुआ है। अभी फिलहाल इनकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो भी की जाएगी कि ये 3 पाकिस्तानी हैं और किस मकसद से आए थे इस बात की भी जांच होगी। लेकिन बड़ी कामयाबी है आज सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कि उन्होंने यात्रा से ठीक पहले जो एक टेरर थ्रेट थी इन कुछ आतंकियों की, कुछ छुटपुट आतंकी थे जो कि यहां पर माहौल खराब करना चाहते थे, तो वो आज समाप्त हो गया, इन्हें न्यूट्रलाइज कर लिया गया है और एक बड़ी अचीवमेंट है ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। और इनके पास से मैं आपको बता दूं कि लश्कर के ये आतंकी बताए जा रहे हैं फिलहाल और इनके पास से M4 कार्बाइन रिकवर हुई है, चाइनीज थर्मल साइट अलोंग विद द चाइनीज स्टील कोर बुलेट्स, स्टील बुलेट्स की रिकवरी भी इनसे हुई है, रेडियो सेट इनसे मिले हैं। रेडियो सेट की अगर मैं बात करूं तो चीन जो है कहीं ना कहीं चीन निर्मित जो रेडियो सेट्स हैं वो पाकिस्तानी आतंकियों के पास मिल रहे हैं। ऐसा लगता है कि चीन भी इनडायरेक्टली जो है वो पाकिस्तानी आतंकियों को सपोर्ट कर रहा है और वो इसलिए ये रेडियो सेट है कि ताकि आतंकी बिना इंटरनेट के आपस में बातचीत कर पाए। M4 कार्बाइन जो है वो इनसे मिली है, डारामेड M4 कार्बाइन है, चाइनीज थर्मल साइट अलोंग विद चाइनीज स्टील कोर बुलेट्स, ये इनसे मिली है, स्टील बुलेट्स मिली है। और इसके अलावा रेडियो सेट्स जो मिले हैं, ट्रैप्ड ऑन हेडगार्ड यानी कि जो सिर के ऊपर हेलमेट पहनते हैं उसमें रेडियो सेट्स हैं। तो कुल मिलाकर एक बड़ी कामयाबी है और लश्कर के ये आतंकी बताए जा रहे हैं। हॉग भद्रवाह डोडा में ये पूरा एनकाउंटर अंजाम दिया गया, एक क्लीन एनकाउंटर अंजाम दिया गया और फाइनली इस एनकाउंटर में 3 आतंकी जो थे
वो निस्ते नाबूद हुए और मुख्यतः जो अब तक की जानकारी मिल रही है कि ये पाकिस्तानी आतंकी थे जो कि एरिया में एक्टिव थे, दहशत फैलाने का काम कर रहे थे, किसी हमले को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन आज निस्ते नाबूद हो चुके हैं। यानी कि ये पूरा जो टेरर एक इन्फ्लुएंस इन्होंने बनाने की कोशिश की थी, डर का माहौल बनाने की कोशिश की थी, आज वो समाप्त हो गया। नमस्कार।